हे एवरी वन अ वेरी वॉम वेलकम टू इंग्लिश इंग्लिश चैनल दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कुड के सारे पॉसिबल यूज़ मैं कुट के कुल नाइन यूज़ आपको सिखाऊंगा साथ ही साथ एग्जाम्पल सेंटेंसेस के जरिए आपकी प्रैक्टिस भी करवा दूंगा ट्रस्ट मी आज के बाद आपको कुट को लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और ना ही आपको कुट के यूज़ समझने के लिए किसी डिक्शनरी की ज़रूरत पड़ेगी आप सेंटेंसेस देखकर या सुनकर समझ पाएंगे कि वह कुड का क्या मतलब था बट माई ओनली कंडीशन इज़ दैट यू शुड वॉच द फुल वीडियो विदाउट स्किपिंग नाउ विदाउट मेकिंग यू वेट एनी फर्दर लेट्स गेट गोइंग एंड हियर कम्स द फर्स्ट यूज़ ऑफ कुड कुड का प्रयोग ये दिखाने के लिए होता है कि कोई किसी काम को पहले कर पाया या नहीं कर पाया कुड इज़ यूज टू शो दैट वन कुड डू Or could not do a particular job in the past. आइए इन्हें कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस से समझते हैं, जिनमें व्यक्ति किसी काम को कर सका। मैं दर्द महसूस कर सका। I could feel the pain. I could feel the pain. मुझे खतरे का आभास हो सका। I could sense the danger. I could sense the danger. सेंस यानी आभास होना या मैं भाप सका मैं तनाव महसूस कर सका आई कुड फील द टेंशन आई कुड फील द टेंशन टेंशन यानी तनाव मैं उसके गुस्से को महसूस कर सका आई कुड फील हर एंगर आई कुड फील हर एंगर यानी समझ सका कि वह नाराज थी अब कुछ देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस कुट के फर्स्ट यूज़ को लेकर मैं समय पर नहीं पहुंच सका आई कुड नॉट रीच ऑन टाइम आई कुड नॉट रीच ऑन टाइम यहां मैं क्लियर कर दूँ कि कुट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा वे मुझे नहीं मिल सके दे कुड नॉट मीट मी दे कुड नॉट मीट मी मैं सवाल हल नहीं कर सका आई कुड नॉट सॉल्व द क्वेश्चन I could not solve the question. Solve यानी हल करना यहाँ सोल्ड कहने या लिखने की गलती ना करें अब सीखते हैं कुट का दूसरा यूज कुट का प्रयोग आज्ञा मांगने के लिए किया जाता है कुड इज़ यूज फॉर सीकिंग परमिशन आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस क्या मैं अब आपके साथ नाच सकता हूँ कुड आई डांस विद यू नाउ कोडाई डांस विद यू नाव यहाँ नाचने की परमिशन मांगी जा रही है क्या मैं बॉल पेन का इस्तेमाल कर सकता हूँ आई यूज़ बॉल पेन आई यूज़ बॉल पेन क्या मैं खेलने के लिए बाहर जा सकता हूँ आई गो आउट टू प्ले कुड आई गो आउट टू प्ले यानी यदि परमिशन मिलेगी तो मैं जाऊँगा कुड का आप थर्ड यूज़ जानते हैं कुड का प्रयोग भूत में यानी कि पास्ट में हमारी क्षमता के बारे में बात करने के लिए होता है कुड इज़ यूज टू टॉक अबाउट अवर एबिलिटी इन द पास्ट लेट्स लर्न अ फ्यू एग्जाम्पल्स जब वह जवान था वह फाइव किलोमीटर आराम से दौड़ सकता था वैन ही वॉज यंग ही कुड ईजिली रन फाइव किलोमीटर वैन ही वॉज यंग ही कुड ईजली रन फाइव किलोमीटर यानी उसमें फाइव किलोमीटर रन करने की कैपेसिटी थी मेरी बहन गणित का कोई सवाल हल कर सकती थी माई सिस्टर कोड सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ मैथ्स माई सिस्टर कोड सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ़ मैथ्स मेरे पिता चार भाषाएँ बोल सकते थे माई फादर कोड स्पीक फोर लैंग्वेज माई फादर कोड स्पीक फोर Languages इन तीनों वाक्यों को देखकर आप सोच रहे होंगे कि सकता था के लिए कुड हैव का यूज़ भी तो होता है तो फिर फर्क कहाँ है उसके लिए वीडियो में बने रहिए क्योंकि कुड के लास्ट यूज़ में मैं आपका ये डाउट भी क्लियर कर दूँगा नाउ लेट्स लर्न फोर्थ यूज़ ऑफ कुड कुड का प्रयोग विनम्रता से विनती करने के लिए होता है कुड इज़ यूज टू मेक अ पोलाइट रिक्वेस्ट आइए सीखते हैं कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस क्या तुम इस टेबल को साफ कर सकते हो कुड यू क्लीन दिस टेबल कुड यू क्लीन दिस टेबल यहाँ आप सेंटेंस को बहुत पोलाइटली बोलेंगे क्योंकि आप एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्या तुम मुझे समय बता सकते हो कुड यू टेल मी द टाइम कुड यू टेल मी द टाइम क्या मैं आज रात यहाँ ठहर सकता हूँ कुड आई स्टे हेयर टू नाइट कुड आय स्टेयर टू नाइट आप सीखते हैं कुड का एक और यूज़ कुट का प्रयोग संभावना दिखाने के लिए किया जाता है कुड इज़ यूज टू शो पॉसिबिलिटी आपको एग्ज़ाम्पल सेंटेंसेस से बेहतर समझ आएगा वह ट्रेन से आ सकती है शी कुड कम बाय ट्रेन शी कुड कम बाय ट्रेन यानी ये केवल एक पॉसिबिलिटी है नहीं तो वह बस या कार से भी आ सकती है वह घर पर भी हो सकता है ही कुड बी एट होम ऑल्सो ही कुड बी एट होम ऑल्सो यानी हो सकता है और नहीं भी वह समय पर पहुंच सकता है ही कुड रीच ऑन टाइम ही कुड रीच ऑन टाइम अगेन अ पॉसिबिलिटी लेट्स लर्न एनदर यूज ऑफ कुड विच इज़ नंबर सिक्स कुड का प्रयोग सुझाव देने के लिए भी होता है कुड इज़ ऑल्सो यूज टू मेक सजेशंस आई सीखते हैं कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस हम कल मिल सकते हैं या हम इसे ये भी कह सकते हैं हम कल मिलें तो वी कुड मीट टमोारो वी कुड मीट टमोरो यानी एक सजेशन है जो अगला माने या ना माने तुम आज रात टेलीविज़न देख सकते हो यू कुड वॉच टेलीविज़न टू नाइट यू कुड वॉच टेलीविज़न टू नाइट नहीं तो कुछ और जैसे पढ़ाई भी कर सकते हो तुम एक वकील से सलाह कर सकते हो यू कुड कंसल्ट अ लॉयर यू कुड कंसल्ट अ लॉयर नाउ लर्न वन मोर यूज़ ऑफ कुड हम कुड का प्रयोग रिपोर्टेड स्पीच में कैन को कुड में बदलने के लिए करते हैं वी यूज़ कुड इन रिपोर्टेड स्पीच चेंजिंग कैन इन टू कुड यहां एक एग्जाम्पल भी काफी रहेगा आइए दिख लेते हैं उसने मुझसे कहा मैं ये काम कर सकता हूं ही सेट टू मी आई कैन डू दिस वर्क अब जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट ही कुड डू दैट वर्क रिपोर्टेड स्पीच में बदलते समय कैन का कुड हो जाएगा यदि डायरेक्ट स्पीच पास टेंस में है तो यहाँ सेट पास टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में कैन का कुड हो जाएगा अब जो हम कुड का यूज़ सीखने जा रहे हैं उसका यूज़ स्पोकन इंग्लिश में बहुत किया जाता है कुड का प्रयोग ये दिखाने के लिए होता है कि हम किसी के किए गए कार्य को नापसंद कर रहे हैं कुड इज़ ऑल्सो यूज टू शो दैट वी डू नॉट लाइक वट समन हैज़ डन लेट्स अंडरस्टैंड बाई अ फ्यू एग्जाम्पल्स तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो हाउ कोड यू चीट मी हाउ कोड यू चीट मी यानी ये बात मुझे बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि तुम मुझे धोखा देने की सोचो या धोखा दो तुम मुझसे इस तरह कैसे बात कर सकते हो हाउ कोड यू टॉक टू मी लाइक दिस हाउ कोड यू टॉक टू मी लाइक दिस वे अब कैसे आ सकते हैं हाउ कुड दे कम नाव हाउ कुड कम नाव यानी शायद उनको पहले आना चाहिए था जब उनकी असल में ज़रूरत थी और अब उनका आना आपको ना पसंद आ रहा है अब जानते हैं आज के वीडियो में कुट का नाइन्थ यूज़ कुट का प्रयोग भूत में यानी कि पास्ट में हुई किसी बात के बारे में बात करने के लिए होता है जो नहीं हुई और जो अब संभव नहीं है कुड इज़ यूज टू टॉक अबाउट समथिंग इन द पास्ट विच हैज़ नॉट हैपेंड एंड विच इज़ नॉट पॉसिबल नाउ अ फ्यू एग्जाम्पल्स विल मेक थिंग्स क्लियर टू यू वे मेरे पास आ सकते थे दे कुड हैव कम टू मी दे कुड हैव कम टू मी लेकिन अब यह संभव नहीं है क्योंकि जिस पर्पज़ के लिए उन्हें आना था अब वह एग्जिस्ट नहीं करता है वह एक डॉक्टर हो सकती थी शी कुड हैव बीन अ डॉक्टर शी कुड हैव बीन अ डॉक्टर लेकिन अब उम्र निकल चुकी है और वह उसकी जगह अब टीचर बन चुकी है वह अपनी जान बचा सकती थी शी कुड हैव सेव्ड हर लाइफ शी कुड हैव सेव्ड हर लाइफ लेकिन अब वह अलाइव नहीं है यानी ज़ीरो पॉसिबिलिटी है जैसा कि मैंने कुड के थर्ड यूज़ में बताया था कि मैं आपको कुड के उस यूज़ में और कुड हैव का डिफरेंस बताऊंगा। एक बार फिर इस एग्ज़ाम्पल को देख लीजिए मेरे पिता चार भाषाएं बोल सकते थे इससे पता चलता है कि वह शायद आज भी चार भाषाएं बोल सकते हैं हो सकता है उन्होंने एक या दो भाषाएं और भी सीख ली हों या फिर वह एक या दो भाषाएँ भूल गए हों लेकिन वह एक भी भाषा नहीं बोल सकते हैं इसकी पॉसिबिलिटी ना के बराबर है तो फ्रेंड्स यही फर्क है कुड और कुड हैव में जिसका अर्थ हो सकता था के लिए यूज होता है फ्रेंड्स आई सिंसियरली होप दैट द वीडियो वॉज ऑफ़ सम यूज टू यू ऑल एंड हेंस फोर्थ यू विल बी एबल टू यूज कुड इन ए बेटर वे टू इम्प्रूव योर बोथ रिटर्न एज वेल एज स्पोकन इंग्लिश In case you happen to like this video, please do like and share the video so that others may also be benefited. Please do subscribe to English for English to watch more such videos. I had earlier uploaded one more video on the use of could have and could have been. Those who wish to watch the video may watch it now. the link of the video is given below in the description of this video. It's time for me to sign off. But before that, I would like to wish you a better tomorrow where you would be able to improve on all aspects of the English language. Until we see again in the next video, take good care of yourself. Bye, friends.